प्रीवियस वीडियो में हमने टेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझा था। अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इपिजिडेमिस के बारे में। ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप टेस्टिस को और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो। इसके एक हिस्से को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है और दूसरा हिस्सा कलर्ड है। जो ब्लैक एंड व्हाइट हिस्सा है, यहां पर आप देख रहे हो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं लोब्यूल के अंदर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहां खुलते हैं और जिस नेटवर्क को बनाते हैं, ये नेटवर्क क्या कहलाता है? रीट टेस्टिस कहलाता है। और टेस्टिस का जो ये हिस्सा है, इस पूरे टेस्टिस का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को मीडिया स्टीनम कहते हैं। तो रीट टेस्टिस कहां होता है? टेस्टिस के मीडिया स्टीनम वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। रीट टेस्टिस से कुछ ट्यूब्स निकलते हैं जिन्हें कि इफेरेंट डक्ट्यूल्स या फिर वासा इफेरेंशिया कहा जाता है। और ये वासा इफेरेंशिया या फिर इफेरेंट डक्ट्यूल्स आगे चलकर जिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इपिजिडेमिस कहलाता है, जिसे कि मैंने यहां पर कलर्ड किया हुआ है। ये पूरा हिस्सा जो है, ये क्या है? इपिजिडेमिस है। इपिजिडेमिस के पूरे स्ट्रक्चर को हम तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। इसका हेड, जिसे कि हम कैपच इपिजिडेमिस कहते हैं, CAPUCH कैपच। इपिजिडेमिस की बॉडी, जिसे कि कॉर्पोरा इपिजिडेमिस कहते हैं, CORPORA कॉर्पोरा। और इपिजिडेमिस का टेल, जिसे कि काउजा इपिजिडेमिस कहते हैं, CAUGA काउजा इपिजिडेमिस। तो इपिजिडेमिस के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? कैपच इपिजिडेमिस यानी कि इपिजिडेमिस का हेड, कॉर्पोरा इपिजिडेमिस यानी कि इसकी बॉडी, और काउजा इपिजिडेमिस यानी कि इसका टेल। चलिए और डिटेल में समझते हैं। अगर इपिजिडेमिस के नाम की बात करें तो इपि का मतलब होता है अबव और डिडेमिस का मतलब होता है टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के ऊपर पाया जाने वाला ये स्ट्रक्चर इपिजिडेमिस कहलाता है। ये एक कोमा शेप्ड ऑर्गन है जो कि देखने में लगभग 4 सेंटीमीटर का लगता है, 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। लेकिन ये बहुत ही क्वाइल्ड होता है, और अगर इसकी क्वाइलिंग को हटाया जाए, इसे सीधा किया जाए इसके अंदर के ट्यूब को, तो ये ट्यूब जो कि डक्टस इपिजिडेमिस कहलाता है, वो लगभग 6 मीटर लंबा होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना हाईली क्वाइल्ड होगा। ये 6 मीटर का ट्यूब 4 सेंटीमीटर में रह जाता है क्वाइल होकर, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इपिजिडेमिस। इपिजिडेमिस की अगर लाइनिंग की बात की जाए, यानी कि इपिजिडेमिस जिस डक्ट का बना हुआ होता है, ये जो क्वाइल डक्ट है डक्टस इपिजिडेमिस, इस डक्ट की जो लाइनिंग है वो बनी हुई होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की, जिसमें कि स्टेरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि इपिडेडेमस किस टिश्यू से लाइंड होता है। और अगर इसके बाहर की बात की जाए तो ये कुछ खास मसल्स से इंसर्कल्ड होता है, यानी कि इपिडेडेमस के ऊपर स्मूथ मसल इसे घेरा हुआ होता है। ये स्मूथ मसल क्या करता है? जब स्पर्म का इजैकुलेशन होना होता है, जब बॉडी से बाहर सीमेन आ रहा होता है, उस वक्त यहां से इपिडेडेमस से जो वो स्पर्म को आगे भेजेगा तो पुश करता है। ये जो स्मूथ मसल है ये कंट्रैक्ट करता है उस वक्त, और यहां से स्पर्म सेल्स पुश होते हैं आगे। तो वो तो हम बाद में समझेंगे। इपिडेडेमस जो है वो स्पर्म मैच्योरेशन की जगह है, यानी कि स्पर्म जो मैच्योर होता है वो यहीं पर आकर होता है। स्पर्म कुछ दिनों तक इपिडेडेमस के अंदर रहता है, और इसे क्या क्या मिलता है यहां? ये मोटाइल हो जाता है, इसे मोटिलिटी मिल जाती है, अब ये चल सकता है, ये मूव कर सकता है, और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी उसे यहां ही मिलती है। यानी कि जो स्पर्म बना था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वो बनकर मैच्योर होने के लिए कहां आ जाता है? इपिडेडेमस में आ जाता है। इपिडेडेमस में ये मैच्योर होता है, मोटाइल बनता है, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी इसके अंदर आती है। और स्पर्म जब कुछ दिनों तक यहां रहता है, अगर इस बीच में वो यूज हो गया तब तो सही है भाई, यूज हो गया। लेकिन अगर वो यूज नहीं होता है तो इपिडेमिस में ही वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सोचो, गॉड ने हमारी बॉडी को कितना एफिशिएंट बनाया है। स्पर्म सेल बनने के बाद मैच्योर होकर इपिडेमिस के अंदर वेट करता रहता है कि कब उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वो अनयूज्ड रह जाता है सेवरल मंथ्स तक, काफी लंबे समय तक अगर वो रह जाता है अनयूज्ड, तो फिर क्या होता है? वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जो सेल्स हैं वहां के वो इसे रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बातें थी इपिजिडेमिस की। अब आगे बढ़ते हैं
और एपिडर्मिस के आगे ये डक्ट जो कंटिन्यू होता है, आप क्लियरली देखो इस डायग्राम को, ये जो टेल ऑफ एपिडर्मिस है, ये जब आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये कंटिन्यू होकर टेस्टिस के पीछे से निकलेगा, समझ रहे हो ना, ये पीछे का हिस्सा है, टेस्टिस के पीछे से निकलेगा और निकलेगा क्या बनकर, वास डेफरेंस बनकर। तो आगे अब हम बात करेंगे किसकी, वास डेफरेंस की। चलो देखते हैं, देखो यहां इस डायग्राम में आपको वास डेफरेंस दिखाया गया है। टेस्टिस का ये वाला हिस्सा एपिडर्मिस है, टेस्टिस के ऊपर है ये, और इसके टेल से जो ये डक्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये डक्ट क्या, वास डेफरेंस है। वास डेफरेंस देखो आगे चलता है, आगे चलकर ये देखो यूरिनरी ब्लैडर के पास से जा रहा है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला हिस्सा इसके पास से जा रहा है। ये जो यूरेटर है, यूरेटर के ऊपर से ये निकल जाता है। यूरेटर क्या करता है, एक्चुअली किडनी में जो यूरिन बना होगा उसे लेकर यूरेटर आता है कहाँ, ब्लैडर में खुलता है। तो हम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर रहे हैं, अभी हमारे काम का ये है नहीं। तो वास डेफरेंस यहां से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने पर इसमें सेमिनल वेसिकल्स ओपन होते हैं। एक सेमिनल वेसिकल आपको दिख रहा है यहां और दूसरा दूसरी तरफ होगा, चूंकि ये साइड व्यू है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो सेमिनल वेसिकल्स यहां आकर ओपन होते हैं, यहां पर ओपन हुए, ये जो वाइड वाला हिस्सा है ना, ये एम्पुला कहलाता है। एम्पुला में क्या ओपन हो गया, सेमिनल वेसिकल्स। ये और आगे बढ़ेगा फिर इसमें क्या मिलेगा, प्रोस्टेट वगैरह मिलेगा, वो तो हम आगे देखेंगे। देखो सेकेंड डायग्राम को देखते हैं, इस वाले डायग्राम को। यहां आप देख रहे हो कि टेस्टिस के ऊपर आपको एपिडर्मिस दिख रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा जो है क्या है, एपिडर्मिस है। इसके टेल वाले हिस्से से वास डेफरेंस अराइज हो रहा है, और यहां पर आपको दोनों टेस्टिस दिख रहे हैं। ये जो दूसरा टेस्टिस है, यहां भी आपको दिख रहा है कि पीछे से वास डेफरेंस अराइज हो रहा है। ये वास डेफरेंस, दोनों वास डेफरेंस जो है वो कंटिन्यू हुआ, आगे बढ़ा, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्वाइल होता है। ये देखो ये पीछे से जा रहा है, ये वाला भी आपको यहां पर दिख रहा है, थोड़ा सा इसे डिम कर दिया गया है, और ये इसके पीछे से यहां से निकल रहा है, और ये जो ज्वाइन कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, ये ट्यूब, ये क्या है, यूरेटर है। ये क्या है भाई, यूरेटर है। जब आगे बढ़ता है कौन, वास डिफरेंस, ये जब वास डिफरेंस आगे बढ़ता है तो इसमें क्या कट जुड़ जाता है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जुड़ा, फिर ये आगे बढ़ा, जो वास डिफरेंस है वो आगे बढ़ा, और यहां पर क्या मिलता है इसके साथ, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है। सेमिनल वेसिकल को, प्रोस्टेट ग्लैंड को हम आगे और डिटेल में जानेंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये सब मिल गया, और अब ये जो आगे कंटिन्यू होता है, अब ये यूरेथ्रा कहलाता है। यूरेथ्रा का क्या काम है, ये यूजुअली तो यूरिन को बॉडी से बाहर लाता है, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये सीमेन को भी बॉडी के बाहर लाता है। तो देखो ये यूरेथ्रा है, और ये पेनिस से होता हुआ बाहर की तरफ आता है, और जहां ओपन होता है इसे यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। तो ये बातें थी वास डिफरेंस की। अब जो ये डायग्राम है आपके सामने, देखो यहां आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रॉटम दिख रहा है, स्ट्रॉटम का ये रैफे है, और आपको टेस्टिस दिख रहा है। इस टेस्टिस के ऊपर यहां एपिडर्मिस है, ये वाला जो हिस्सा है टेस्टिस का, ये थोड़ा सा कम एक्सपोज्ड है, और यहां पर आपको दिख रहा है क्रिमेस्टर मसल, जो कि इनक्लोज किया हुआ है टेस्टिस को। ये जो टेस्टिस वाला हिस्सा होता है, ये हमारी बॉडी के दूसरे हिस्से से, एब्डोमेन वाले हिस्से से कैसे कनेक्टेड होता है, यहां पर एक कैनाल है जिसे कि इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। ये आप देख रहे हो ना, इंग्वाइनल कैनाल से ये सारा कुछ इधर आ रहा है। इंग्वाइनल कैनाल से ये सारा कुछ जो आता है, इसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, ये क्रिमेस्टर मसल होगा, क्रिमेस्टर मसल के अंदर कुछ नर्व्स होंगे, ब्लड सप्लाई वाले ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स वगैरह होंगे। ये सारा कुछ, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये आता है नीचे, और ये जिस कैनाल से होकर आ रहा होता है, ये कैनाल क्या कहलाता है, इंग्वाइनल कैनाल कहलाता है। देखो यहाँ स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको और ज्यादा क्लियरली दिख रहा है इस डायग्राम में। नर्व है, आर्टरी है, वेनस प्लेक्सस है, जो डक्टस डिफरेंस यानी कि जो वास डिफरेंस है, वो सब आपको यहां दिख रहा है। ये वास डिफरेंस और ये आर्टरीज वगैरह, ये सारे कुछ आपने थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस डायग्राम में देखा था। चलो एक बार पिछले डायग्राम को भी देखते हैं। इस डायग्राम में जो आपको ये दिख रहा है कि जो वास डिफरेंस है वो आगे जाता है, और आगे जाकर ये देखो टेस्टिस से ऊपर जाकर, स्क्रॉटम से बाहर जाकर, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूमता है। ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो इस हिस्से से ऊपर जा रहा है, ये कैसे जा रहा होता है भाई, यहां पर क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल होता है, और इंग्वाइनल कैनाल से होकर ये जाता है। इस डायग्राम में वापस आ जाते हैं। देखो यहां पर इंग्वाइनल कैनाल जो है, ये इंग्वाइनल कैनाल है, और इससे होकर क्या गुजरता है इंग्वाइनल कैनाल से, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है, नर्व्स,
आर्टरीज, वेन्स, डक्टस डिफरेंस यानी कि जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। तो ये वास डिफरेंस यहां से अराइज होकर के, मतलब इपिडिडाइमिस के टेल से अराइज होकर के ये चलता है और स्पर्मेटिक कॉर्ड का हिस्सा बनकर इंग्वाइनल कैनाल से ऊपर जाता है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के पास से होकर के गुजरता है। ये जो व्हाइट कलर का आप ट्यूब देख रहे हो ये क्या है, ये यूरेटर है जो कि जा रहा है कहां, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। आई होप इस डायग्राम को देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एनाटॉमी की वो और ज्यादा क्लियर हुई हो। अब तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्क्रॉटम के बारे में जान लिया, हमने टेस्टिस के बारे में जान लिया, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हें हमने जान लिया, इपिडिडाइमिस क्या होता है वो देखा हमने और वास डिफरेंस को जाना। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं यानी कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह, उन्हें एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। थैंक यू।